सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो कोई लोकेशन पे जाके शूट करने वाला नहीं है, ये लोकेशन को एक्सप्लोर करने के रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये वीडियो है मेरे घर का। ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इन चीजों को नहीं मानता, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो प्रूफ्स आपको दिखाने बहुत जरूरी है। लास्ट लोकेशन से जब से हम आए हैं मेरे साथ ये स्ट्रेंज एक्टिविटी घर में मेरे साथ हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मतलब पिछले एक हफ्ते से ये सिचुएशन हो गई है कि कभी कोई चीज़ किचन में गिरती है, कभी इधर से ये वाला गेट अपने आप खुलता है, कभी जो ये इस तरफ गेट है उस पे नॉक नॉक की आवाज़ आती है। तो ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं और पैरानॉर्मल से इसको जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी सारे एविडेंसेस आपके सामने मैं रख दूंगा वीडियो के थ्रू, क्योंकि अभी मैं नाइट विजन प्लेस करूंगा। रात के करीब 12 बजे के बाद ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और मैं ये चाह रहा था कि ये सब आप लोगों को भी दिखाऊं, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है वो आप लोगों को भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप लोगों को पता चले कि भाई एक्टिविटीज़ इस तरह की होती हैं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है वो इस तरह की होती है। हालांकि मैं भी शॉक्ड हूँ ये सब देख के। ये एक्टिविटी मेरे साथ जब होती है, मैं जब अकेला होता हूँ, घर पर अकेला होता हूँ भाई, तो इस टाइम मैं घर पर बिल्कुल अकेला हूँ। आपको दिखा देता हूँ, देखो मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये किचन है, ये एक रूम है, इसका वॉशरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये वॉशरूम है, अच्छा ढंग से दिखा देता हूँ यार, कोई नहीं है गेट के पीछे। वरना काफ़ी लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई गेट के पीछे कोई छुपा हुआ होगा या ऐसे, जो भी है सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। और ये एक दूसरा रूम है, ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम में खोल के दिखा देता हूँ। ये गेट के पीछे भी कोई नहीं है। और ये एक पीछे का एरिया है, थोड़ा सा छोटा सा, यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह रखी हुई है। और ये आपके सामने देखो, ये दूसरे रूम का जो गेट है वो है। तो गाइज काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सेम एक्टिविटी बार बार हो रही है। कभी कि इधर से कोई आवाज़ आती है, कभी इधर से कोई आवाज़ आती है, और मैं उठ के देखता हूँ तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। और एक दो बारी तो मैंने ये भी देखा है कि वो जो बॉक्स आपको दिख रहा है कॉफ़ी मेकर वाला, वो पूरा का पूरा यहाँ नीचे गिरा हुआ था सुबह मैंने देखा जब। अब इतना हल्का तो है नहीं कि कोई चूहा गिरा देगा या कुछ और ऐसा होगा। कभी कभी इसके अंदर से ये वाली जो आपको दिख रही है कबर्ड की, ये वाली जो गेट है वो पूरा खुला होता है। कभी कभी ये अलमारी खुली होती है, कभी कभी ये चेयर यहाँ रखी है तो वहाँ मिलती है। ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही है यहाँ पे मेरे साथ में, तो इसको मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। आज रात को मैं प्लेस करूँगा नाइट विजन कैमरा, जिस रूम में मैं सोता हूँ उस रूम में प्लेस करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी मेरे सामने नहीं हुई है। हो सकता है रात में होती हो, क्योंकि जो टाइमिंग्स है उसके, एक बार जो ये सब चीज़ें जो मेरे सामने हुई है, कई बार रात को लेट में काम कर रहा होता हूँ तब होती है, 12 से 1 से 2 के बीच मैंने टाइमिंग नोट नहीं करी, लेकिन ये उसी टाइम पे ये सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो आज मैं नाइट विजन प्लेस करूँगा और आप वो फुटेज देखना कि अगर उसमें कुछ रिकॉर्ड होता है या नहीं होता है।
सो गाइस वीडियो तो आपने देख ही लिया है और सारे एविडेंसेस आपके सामने हैं। और रात को मतलब मुझे कुछ हार्म नहीं पहुंचाया, बट ये जो एक्टिविटीज़ आपने वीडियो में देखी है ये सारी मेरे साथ में हुई है। और मतलब मेरे साथ में तो मैं नहीं कह सकता, जो भी आपके सामने है बिल्कुल क्लियर है और ये सारी एक्टिविटी हुई है। और ये तो बहुत कम एक्टिविटी है, इससे भी ज़्यादा होती है। तो आप लोग अगर चाहते हो कि और वीडियोस मैं इस पे बनाऊं, ये होता है यार देखो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ये होती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। ऐसे ही रियलिटी वाले पैरानॉर्मल वीडियोस, रियल हॉन्टेड प्लेसेस और ऐसी ऐसी जगहों को एक्सप्लोर हम करते रहेंगे आप लोगों के लिए। सिर्फ इंडिया में हमारे 2-3 चैनल ही हैं जो बढ़िया बढ़िया लोकेशन लाते हैं, बाकी तो सारे कहीं भी जाके वीडियो बना रहे हैं यार आजकल। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, आपको ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टाटा बाय बाय।